समुद्र में पुल कैसे बनाते हैं जानिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। जानेंगे कि समुद्र के ऊपर पुल कैसे बनाते हैं। जब आप किसी नदी या समुद्र के बीच से गुजरते होंगे, आपके मन में अक्सर सवाल आता होगा कि आखिर इतने बड़े एवं लंबे ब्रिज इतने गहरे पानी के ऊपर कैसे बनाए जाते हैं। आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप कहीं घूमने जाते होंगे तो रास्ते में आपने नदी एवं समुद्र के ऊपर बने पुलों के ऊपर सफर जरूर किया होगा, जो देखने में बहुत आकर्षित लगते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इतने सुंदर एवं आकर्षित मजबूत पुलों का निर्माण कैसे किया जाता है, जिसके ऊपर ट्रेनों से लेकर बस ट्रक आदि कार आसानी से गुजर जाती है। तो आइए साथियों, जानते हैं समुद्र ऊपर पुलों का निर्माण कैसे होता है, समुद्र के ऊपर ब्रिज का निर्माण कैसे किया जाता है। दरअसल जब नदी या समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाया जाता है तो सबसे पहले इंजीनियरों के द्वारा उसका डिजाइन बनाया जाता है, जिसे बनाते समय उसमें अधिकतम पानी एवं न्यूनतम गहराई, पानी के बहने की गति एवं पानी के नीचे की मिट्टी कैसी है, पुल का वजन कितना होगा और पुल पर चलने वालों का भार आदि का हिसाब पुल का निर्माण करने से पहले हर लिया जाता है, जिसे इंजीनियर्स के बाद उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पानी के ऊपर बने बड़े ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स के लिए सबसे मुश्किल चैलेंज खुद पानी होता है। तो आज के इस टॉपिक पर बात करेंगे कि पानी के ऊपर पुल कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, हम सबको यह पता नहीं होता कि ब्रिज के ऊपर से रोजाना कितने लोग एवं वाहन गुजरते हैं, लेकिन हम आप सभी से इसमें छुपे कंस्ट्रक्शन के मास्टर प्लान के बारे में ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं। आपको बता दें कि ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के मुकाबले कई गुना कठिन होती है, क्योंकि बिल्डिंग का लोड स्टेबल रहता है परंतु पुल का लोड कभी एक जैसा नहीं रहता है। ब्रिज को हर वक्त लाखों करोड़ों टन वजन बर्दाश्त करना पड़ता है, और वो ऐसा भी वजन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो। जैसे जैसे दुनिया में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे दुनिया में पुलों की इम्पोर्ट बढ़ती जा रही है। इम्पोर्ट उस समय ज़्यादा से बढ़ती जाती है जब पुल के जमीन ऊपर नहीं बल्कि पानी के अंदर बने। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन के लिए इंजीनियर्स को मुश्किल चैलेंज का सामना करना पड़ता है, वही पानी पर बनाए गए ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर को 10 गुना अधिक चैलेंज का सामना करना पड़ता है। समुद्र के ब्रिज बनाने के लिए 1 इंच से पहले उसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि अगर 1 इंच भी गलती होती है तो हजारों जाने अरबों रुपये एक ही झटके में डूब जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चाहे घर हो या बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन हो या फिर एक जैसे, सब एक कॉमन होती है। और वही चीज़ इनकी फाउंडेशन जैसी, फाउंडेशन के बिना इलेक्ट्रिशियन को नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही बिना फाउंडेशन के ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का काम करना शुरू बिल्कुल नामुमकिन होता है। अब ये सवाल आता होगा कि समुद्र और नदियों में बने ब्रिज की फाउंडेशन हो तो अंदर होती है, लेकिन इतने गहरे पानी के अंदर बनते कैसे हैं और इतनी सुंदर मजबूत होती है, जो पानी और लहरों के बीच पुल को मजबूती से पकड़े रहती है। तो आइए जानते हैं इंजीनियर्स की इतने गहरे पानी में पुल का निर्माण कैसे करते हैं, समुद्र में पुल कैसे बनाते हैं। पानी के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए इंजीनियर्स को सबसे पहला काम होता है कि पानी की गहराई नापना और साथ ही साथ अपने पानी के नीचे जमीन कैसी है इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, जैसे कि पानी के नीचे जमीन रेतीली या पथरीली, इसका पता लगाने के लिए प्रोफेशनल गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं और कई दिनों तक तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम चलता रहता है। यदि पानी कम हो तो फाउंडेशन को कंस्ट्रक्शन में आसानी होगी, लेकिन यदि पानी की गहराई अधिक होगी तो फाउंडेशन का काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी गहरा होगा उतना ज़्यादा फाउंडेशन का काम करने में मुश्किल होती है। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद असली काम आता है कि फाउंडेशन को स्टेशन बनाने के लिए इसके पानी की जगह कैसे निकाली जाए। जी हाँ साथियों, पानी चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, जिस जगह फाउंडेशन की नींव रखनी होती है उस जगह से पानी हटाना ही पड़ता है। आपको बता दें कि इंजीनियर्स के बाद उसके बाद 3 प्रमुख मेथड बनाए हैं। फर्स्ट मेथड, सबसे पहला सबसे पुराना मेथड कॉल्पेशन, यानी जिस पर कॉन्सेंट का काम शुरू किया जाता है। उस जगह और चारों ओर इतनी मिट्टी डाली जाती है कि वो पानी लेवल भी ऊपर हो जाता है। जब चारों ओर तरफ मिट्टी ब्लॉक कर दी जाती है तो फिर बीच में पानी को खाली कर दिया जाता है ताकि कंस्ट्रक्शन का काम आसानी से किया जा सके। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंस्ट्रक्शन के चारों तरफ डाली मिट्टी में पानी दबाव कारण बने लगती है, जिसके कारण कॉन्फोर्म से पानी बनने लगता है, जिसे वर्कर्स की जाने वाली चली जाती है। लेकिन दोस्तों, अकॉन्फिशन मिट्टी की जगह लोहे की सीट से बनाई जाती है, जो मशीन की मदद से पानी के अंदर एक एक करके डाली जाती है, जो मजबूत दीवार बन जाती है, जिससे फिर आसानी से साफ काम किया जा सकता है। मेथड सेकेंड, इस तरीके से फाउंड की नींव फैले जमीन पर बनाई जाती है, फिर उसे सीप की सहायता से उस जगह पहुंचाया जाता है जहां कंस्ट्रक्शन का काम होता है। लेकिन अब इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इसे पानी में नीचे डालना
डालना क्योंकि ऊपर तो खुली होती है लेकिन नीचे बंद होती है, जिसे अगर ऐसे ही नॉर्मल तरीके से डाला गया तो पानी ऊपर ही तैरता रहेगी। यह फाउंडेशन पानी न तो तैरे, इसलिए इंजीनियर्स के पास एक बेहतरीन तरीका होता है। यदि पानी अधिक गहरा होता तो शिप की सहायता से नीचे बड़े बड़े पत्थर डाले जाते हैं जिसे ज़मीन पर भराई की जा सके और फिर आसानी से उसमें बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर शिफ्ट किया जा सके। मेथड 3, इस मेथड से लोहे के बड़े बड़े पाइप को शिप की मदद से कंट्रा सिंक पर ले जाया जाता है, जिसके बाद उन पाइपों को सबसे पहले मशीनों के द्वारा नीचे घुसाया जाता है, जिसके ऊपर अब ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इतना आसान नहीं होता है कि जितना कहने और सुनने में लगता है। इस पूरी प्रोसेस में वर्षों की मेहनत और कई वर्कर्स का साथ होता है। तो दोस्तों, यह तरह समुद्र का निर्माण ब्रिज कैसे किया जाता है, तो आपको जानकारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो चला तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ऐसे मजेदार इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए, तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।